हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं आदित्य सिंह गौतम, आपका मेंटोर और कोच बैंक एग्जाम्स के लिए। और आज की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम करेंगे वोकैब के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनको बता दूं भाई कि मैं आपका मेंटोर और कोच हूं बैंक एग्जाम्स के लिए, और 10 साल का मुझे तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है। ठीक है, बैंक एग्जाम्स आरआरबी एसएससी तीनों को मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, मेंटोर कर चुका हूं 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को, और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। ये बात तो हो गई मेरे बारे में। अब बात कर लेते भाई अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के बारे में अगर बात करेंगे तो अनअकैडमी जो है बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड, फुल ऑफ नॉलेज और विद ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कुछ बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं बहुत जल्दी, उसके बारे में ये। ठीक है, ओके। अब अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है, अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, उसका रीजन है कि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। अब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते ही आपके लिए शुरू हो जाती है अनलिमिटेड एक्सेस। आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 30+ बैचेस का हर महीने, 20 आवर्स से ज्यादा का कंटेंट यानी कि स्टडी मटेरियल हर घंटे आपके लिए ऐड हो रहा है, और 70 से ज्यादा एजुकेटर सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओ माय गॉड, और 98% से ज्यादा स्टूडेंट्स यानी कि एस्पायरेंट्स हमें यानी कि अनअकैडमी को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए इस कूपन कोड के साथ, जो मैं आपको कोड दे रहा हूँ ASD50। याद रखिएगा इस कोड को, क्योंकि इस कोड के साथ आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के नाम आ गए, ओके ऑलराइट। नाउ इससे पहले कि अब मैं आगे बताऊं कि आगे क्या क्या है, देखिए आपके कुछ बैचेस स्टार्ट हुए 23 जून से। कौन से 23 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, वो है एक्सेलरेटर बैच फॉर SBI क्लर्क 2021। ठीक है, नेक्स्ट बैच है एस IBPS RRB PO और क्लैरिकल 2021, 23 जून से ही स्टार्ट है। नेक्स्ट इज रणविजय CET 2021, नेक्स्ट इज टारगेट SBI PO प्लस IBPS PO और एक्सेलरेटर बैच फॉर SBI क्लर्क 2021, रणविजय CET 2021। अपार्ट फ्रॉम दैट फाउंडेशन बैच फॉर ऑल SBI एग्जाम्स, क्या फाउंडेशन बैच फॉर ऑल SBI एग्जाम्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट गुरुकुल बैच फॉर IBPS इंश्योरेंस 2021 एग्जाम, रैंकर्स बैच फॉर SBI क्लर्क। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश एंड बैंकिंग अवेयरनेस फॉर IBPS PO एंड क्लर्क SBI PO 2021, टारगेट SBI क्लर्क, टारगेट SBI क्लर्क, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है आपका ये बैचेस, तो आप लोग इनमें से कोई भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके ऑलराइट। नाउ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और क्लास को आगे बताऊं, आपको बता दूं भाई आपके लिए खुशखबरी क्या, कि आपके लिए मौका है 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का, ओके। स्कॉलरशिप का टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा और बिल्कुल फ्री होगा। तो फ्री टेस्ट है, कुछ नहीं करने का, करना क्या आपको सिर्फ एक चीज करनी, क्या चीज करनी है आपको, ये टेस्ट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कब होगा, संडे सुबह 10 बजे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बस आप एनरोल कर दीजिए ASD50 कोड लगाकर। क्या करेंगे, ASD50 कोड लगाकर एनरोल करके, ओके। नाउ आपकी जो है प्राइस हाइक होने वाली है, क्या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, यस, तो प्राइस हाइक होने वाली है, और इससे पहले हो जाए जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर बैंकिंग की बात करेंगे 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन यानी कि 2 ईयर्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 7,800 का, और इसको आप ASD50 कोड लगाइए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। जो 1 साल का है वो है 6,500 का, और अगेन फिर से कोड लगाएंगे बढ़िया वाला डिस्काउंट फिर से मिल जाएगा, लेकिन प्राइस हाइक होने वाली है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेंगे। अब बैंक और SSC का कॉम्बो, बैंक और SSC के जो कॉम्बो है इसका जो प्राइस था वो पहले था 10,200 एक साल का, लेकिन अब हो गया है 7,999 से ज्यादा का ऑफ, वाव। और 2 साल के प्राइस पर 12,200 का था, ये भी 9,999 का हो गया। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि ये ऑफर 23 जून को खत्म हो जाएगा, और अगर ये आपको न्यू प्राइस में चाहिए तो ASD50 कोड लगाएंगे जरूर, ओके ऑलराइट। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे तो बैंक RBI और नाबार्ड, बैंक RBI और नाबार्ड इन दोनों का जो कॉम्बो है उसमें 80% का ऑफ चल रहा है,
ठीक है ऑलराइट, तो 6 months का जो प्लान है वो 9800 का था, वो 6500 का, ओके 12 months का जो प्लान था वो 8000 का है, और 14200 का जो प्लान था यानी कि 2 साल का, वो अब 9500 का। अब फिर से भूलेंगे नहीं, ASG50 कोड तो लगाने ही लगाने, ASG50 कोड लगाएंगे और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे, ठीक है जी। ओके, अब जैसे मैंने बता दिया भाई आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए क्या करना है, ASG50 कोड लगाना है और आपको बहुत बढ़िया वाला डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अब हम है ऑल सेट टू से, अब हम है ऑल सेट टू से, लेट्स क्रैक इट गाइस। ओके चलो बढ़ जाते हैं, आज का मोटिवेशनल थॉट, आज का मोटिवेशनल थॉट क्या है, आज का मोटिवेशनल थॉट है व्हेन आई लॉस्ट ऑल ऑफ माय एक्सक्यूजेस, क्या व्हेन आई लॉस्ट ऑल ऑफ माय एक्सक्यूजेस आई फाउंड माय रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब मैंने अपने सारे बहाने खो दिए यानी कि छोड़ दिए, तब मुझे रिजल्ट मिला, तब मुझे सक्सेस मिली। बोले तो हम सब ना एज अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे दोष बहुत आराम से डाल देते हैं, नहीं डाल देते कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, टीचर्स अच्छे नहीं थे, स्कूल अच्छा नहीं था, और फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बहुत सारी चीजें जो हम दोष डाल देते हैं। लेकिन ये इन दी एंड हम भी जानते हैं कि हमारे एफर्ट्स नहीं थे, एफर्ट्स में कहीं ना कहीं हमारी कमी आई थी। तो बहानों को हमें अलग कर देना भाई, बहानों को छोड़ देना है, अलग कर देना है। और जब बहानों को अलग करके, बहानों को एक्सक्यूजेस को अलग करके पढ़ने का मन नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज नहीं कल पढ़ूंगा, जब सारे बहाने छोड़ दोगे, एक्सक्यूजेस छोड़ दोगे, तो आपको रिजल्ट और सक्सेस दोनों ही मिल जाएंगे। तो ये है आज का मोटिवेशनल थॉट। ओके ऑलराइट चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला वर्ड, आज का पहला वर्ड है बैबलर। क्या है बैबलर? बैबलर का मतलब क्या होता है? बैबलर का मतलब होता है गप्पी या बकवास करने वाला। लोग गप्पे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ब्रैग करते हैं, तो जो लोग ब्रैग करते हैं, बकवास करते रहते हैं, ब्ला ब्ला फालतू की बातें करते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैबलर। तो ये जो ब्ला ब्ला है, ये जो ब्ला ब्ला है, इस ब्ला ब्ला से ही हमने क्या बनाया है? बैबल बनाया है, ठीक है। तो क्या बनाया है? बैबल बनाया है। तो बैबल मतलब क्या हो गया कि बकवास करना, बकवास करने वाला। बैबल मतलब बकवास करना और बैबलर मतलब बकवास करने वाला, यानी कि गप्पे मारने वाला बेकार के। तो एन ऑब्नोक्सियस एंड आइडल टॉकर, यानी कि कोई भी फालतू बकवास करने वाला इंसान, ठीक है। ओके, अब ये बैबलर जो है एक बर्ड भी होती है। क्या? ये जो बर्ड है इसको हम बैबलर कहते हैं। ये बैबलर, ये जो चिड़िया है, क्या चहचहाएगी, क्या ये बोलेगी, हमें समझ नहीं आएगा, बस वो बोलती रहेगी, बकवास करती रहेगी अपनी धुन में। तो दैट बैबल करने का मतलब हो गया बकवास करना, चिड़िया से आप याद कर सकते हैं, या फिर ब्ला ब्ला के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, बैबलर। ओके, तो बैबल ऑलवेज टॉक्स कंस्टेंटली ब्ला ब्ला ब्ला, तो ब्ला ब्ला से हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। ओके, सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? सिनोनिम्स हो गए इसके लोक्वेशियस, लोक्वेशियस, चैटरबॉक्स और गैबलर। यानी कि गैबलर बैबलर का मतलब जो है, चैटर का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, राइट। ओके, लोक्वेशियस का मतलब भी क्या हो गया? बैबलर, यानी कि बकवास करने वाला। जैसे एवेंजर्स मूवी में आपने क्या देखा होगा? लोकी देखा होगा, लोकी बकवास करता रहता है, फालतू बकवास करता रहता है, तो ही इज अ लोक्वेशियस। ओके, तो लोक्वेशियस से हम लोकी को, लोकी से लोक्वेशियस को हम आराम से याद कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ एंटोनिम्स हो गए इसके साइलेंट, क्वाइट और अनटॉकेटिव, राइट। पबजी ऋषभ मिश्रा, आई एम वेलकम टू द क्लास बट आई एम सॉरी आई कुडंट गेट योर पॉइंट। ओके, सेंटेंस देखिए, समटाइम्स बैबलर टाइप पीपल इरिटेट्स टू मच। कभी कभी जो बैबलर टाइप पीपल होते हैं, नहीं यार आई एम सॉरी आई डोंट प्ले पबजी, आई डेली टेक अप्रोक्सीमेटली 4 क्लासेस ऑफ योर्स, सो आई हार्डली गेट साइन। ओके, लेट इट बी। चलो, तो क्या है इसमें? इसका मतलब हुआ समटाइम्स बैबलर टाइप पीपल इरिटेट्स टू मच, कभी कभी बकवास करने वाले लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा इरिटेट कर देते हैं। That is why इसका ये perfect sentence बना। आप लोग कोई try करना चाहोगे sentence जो आपको अच्छा लगे, anything you can try, anything you can go for it, कोई भी sentence, छोटा मोटा, babbler, anyone?
ओके ऑल राइट, सो मैं बता देता हूँ, एक और सेंटेंस बनाते हैं बढ़िया सा, क्या ही इज ड्रंक सो ही इज अ बेबलर, कि वो ड्रंक है तो अभी क्या है वो बकवास कर रहा है, ब्लाबला कर रहा है, ठीक है ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इमेसिएटेड, क्या इमेसिएटेड क्या हुआ, इमेसिएटेड का मतलब हुआ दुर्बल या फिर पतला, इमेसिएटेड मतलब कि भैया कोई बहुत ही ज्यादा पतला है, दुर्बल है किसी बीमारी की वजह से, खाने की कमी की वजह से, तो एबनॉर्मली थिंग, जैसे पिक्चर में देखो, पिक्चर में क्या है, ये जो डॉगी है ही इज टू थिंग, बहुत ज्यादा वीक है, बेबी ही इज इल और ही इज नॉट इन गुड हेल्थ, राइट, तो ही इज एबनॉर्मली थिंग को हम क्या बोल रहे हैं, इमेसिएटेड। एंड प्रिंस अम्बेडकर वेलकम टू द क्लास बच्चे, ओके सो इमेसिएटेड का मतलब क्या हो गया, दुर्बल यानी कि पतला, जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है, आई एम अ स्टाउट, स्टाउट मतलब क्या, स्टमक आउट से हम याद कर लेंगे इसे, स्टमक आउट से हम स्टाउट को याद कर लेंगे, स्टाउट का मतलब क्या हुआ कि भैया मैं मोटा हूं तो मेरा क्या है पेट बाहर है, राइट, तो मोटे को हम क्या बोलेंगे, स्टाउट बोलेंगे। सेम वे में हम क्या है कि भैया इमेसिएटेड मतलब दुर्बल या फिर पतला, ओके अब इमेसिएटेड को याद कैसे करेंगे, भैया इसमें मैक आ गया ठीक है, मैक क्या होता है, एप्पल के आईफोन्स और एप्पल के फोन और डिवाइसेस को मैक कहते हैं, राइट, क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो डिवाइसेस बहुत ज्यादा पतले होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, होते कि नहीं होते, तो बहुत ज्यादा पतले को, एक्सट्रीम थिन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इमेसिएटेड, ठीक है। आई डिंट ईट फॉर 5 days एंड आई वॉज इमेसिएटेड ड्यू टू इट, क्या मैंने 5 दिन खाना नहीं खाया और क्या हुआ, मैं इमेसिएट हो गया, यानी बहुत ज्यादा पतला हो गया, ओके ऑलराइट। अब हमने इसकी ट्रिक हमें पता लगी, भैया मैक से हम आराम से इसको याद कर सकते हैं कि मैक बहुत पतला होता है, बस पतले को हम क्या कह रहे हैं, इमेसिएटेड, ओके। नाउ सिनोनिम्स हो गए इसके थिन, फीबल और स्लिम, ओके। एंटोनिम्स हो गए इसके फैट, हैवी और थिक, ऑलराइट। यूज देखिए, ही बिकेम इमेसिएटेड, वो क्या था, इमेसिएट हो गया यानी कि पतला हो गया, बहुत दुर्बल हो गया, क्यों, ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था बहुत टाइम से, एंड मेल नरिशमेंट, और उसको अच्छा खाना नहीं मिला, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिले, तो वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा पतला हो गया, बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया, बहुत ज्यादा इमेसिएटेड हो गया, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर, इमेसिएटेड क्लियर है एवरीवन, जल्दी से बताएंगे, इमेसिएटेड में किसी बच्चे को कोई डाउट, एवरीवन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड का मतलब क्या हुआ भाई, इम्प्यूटेड का मतलब हुआ आरोपित या फिर लांछित, यानी कि किसी के ऊपर जब हम इल्जाम लगाएंगे तो वो क्या है, वो आरोपित, अभी हमने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, आरोप लगा दिया, यानी कि हमने उसे इम्प्यूट किया है, क्या किया है, इम्प्यूट किया है, इम्प्यूट कैसे भैया, सीधी सी बात, इम्प्योर हमने सुना है, दो चीज जैसे मैं इसको याद करा रहा हूं आपको, क्या इम्प्योर आपने सुना है कि ही इज इम्प्योर, ये क्या हो गया है, इम्प्योर हो गया है, ही इज इम्प्योर, क्या है वो, ही इज इम्प्योर यानी कि वो क्या है, इम्प्योर हो गया है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ओके। तो जब वो इम्प्योर हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे, कोई इम्प्योर कैसे हो सकता है, नो वन कैन बी इम्प्योर, बट हम उसके ऊपर आरोप लगा रहे कि भाई तो इम्प्योर हो गया, तो इम्प्योर से हम इम्प्यूटेड को आराम से याद कर सकते हैं कि हमने उसके ऊपर क्या लगाया, इल्जाम लगा दिया, ठीक है ओके। बच्चों मेरी आवाज साफ आ रही है ना, ओके चलो बताना मुझे कि आवाज मेरी साफ आ रही है नहीं, तब तक हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्यूटेड का मतलब आरोप लगाना या फिर लांछित करना, किसी ऊपर गलत इल्जाम लगा देना, उसको हम क्या कह रहे हैं, इम्प्यूटेड। अब इसका दूसरा टिक क्या हुआ, दूसरा टिक क्या हुआ, आई ओके एम पुटिंग, पुट से हमने बनाया पुटिंग, आई एम पुटिंग दिस चार्ज ऑन यू, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर ये चार्ज डाल रहा हूं, यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर ये आरोप डाल रहा हूं, ठीक है। तो आरोप डालने को हम, आरोप लगाने को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इम्प्यूटेड। तो इम्प्यूटेड से भी आप याद कर सकते हैं, और हम किससे याद कर सकते हैं, आप इसको आई एम पुट से और इम्प्योर से, दोनों में से किसी से याद कर सकते हो, ओके। सिनोनिम्स क्या हुए इसके, अक्यूज्ड,
क्लेम्ड और चार्ज, ठीक है ओके। एंटोनिम्स हो गए इसके रिलीज और एडमायर, रिलीज और एडमायर, ठीक है। दिस क्राइम इंप्यूटेड ऑन रवि, कि ये क्राइम किसके ऊपर लगाया गया है, वो रवि के ऊपर लगाया गया। ये क्राइम का इल्जाम किसके ऊपर लगाया गया, वो रवि के ऊपर लगाया गया। हमने सेंटेंस बनाया इसका। सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? एवरीवन, कोई डाउट भाई किसी भी बच्चे को इंप्यूटेड में? एवरीवन बताएंगे भाई, किसी को भी कोई भी डाउट इंप्यूटेड में? प्रिंस ऋषभ और एनीवन, बाकी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं, क्या किसी को डाउट है इंप्यूटेड में? पिक्चर में देखिए एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दे आर इंप्यूटिंग ईच अदर, सो दैट इज इंप्यूट फॉर यू, ओके। और चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मॉलीफाई। मॉलीफाई का मतलब क्या हुआ? मॉलीफाई का मतलब शांत करना। क्या? शांत करना। शांत करने को हम क्या कहेंगे? शांत करने को हम कहेंगे मॉलीफाई, ओके। ऑलराइट, मॉलीफाई का मतलब क्या हुआ? मॉलीफाई का मतलब हुआ शांत करना, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसको याद कैसे करेंगे? अगेन मैं इसकी भी दो ट्रिक दूंगा आपको, इसकी भी दो ट्रिक दूंगा, आप दोनों में से किसको भी याद कर लो, ठीक है। पहला इसका मतलब वो मैंने आपको बताया, शांत करने भी है, किसी के गुस्से को शांत करना है, किसी की चिंता को शांत करना, कोई परेशान है उसको हमने शांत कर दिया, तो दैट इज मॉलीफाई, ओके। ऑलराइट, इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो इतना हमें समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब है मॉलीफाई को याद कैसे करेंगे। पहली ट्रिक मैंने याद किया मॉल से। क्या? मॉल से, कि भाई मेरी जो सिस्टर थी, मेरी जो मदर थी, वो गुस्सा थी मेरे से। क्या थी? गुस्सा थी। तो मैं उनको शांत करने के लिए कहां ले गया? मॉल ले गया। मैं उनको शांत करने के लिए, मॉलीफाई करने के लिए कहां ले गया? मॉल ले गया, ठीक है। दूसरी ट्रिक, कि भाई मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मैंने मूली खा के क्या किया? मूली खा के मैंने खुद की भूख को शांत कर लिया। आई मॉलीफाइड माई हंगर बाई ईटिंग मूली। अभी या तो मूली से याद कर लो मूलीफाई, कि मैंने मूली खाई और पेट भर लिया, या फिर मॉल से याद कर लो। मॉल लिखा है, यस मॉल लिखा है, तो मॉल में ले जाकर मैंने उसका गुस्सा शांत किया। ऋषभ मिश्रा, आई डोंट प्ले पबजी, आई एम अ वेरी बिजी मैन, आई डेली टेक अप्रोक्सीमेटली 4 क्लासेस और मोर, ओके। ऑलराइट, सो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? सूदी, काम और पैसिफाई। सूदी, काम और पैसिफाई, ओके। एंटोनिम्स हो गए इसके एग्रीवेट, इंटेंसिफाई और इरिटेट, ठीक है। एग्रीवेट, इंटेंसिफाई और इरिटेट। इसका सेंटेंस देखिए, माई चीयरफुल नेचर, क्या? माई चीयरफुल नेचर कैन मॉलीफाई एनीवन्स एंगर। मेरा जो खुश मिजाज नेचर, मेरा जो चीयरफुल नेचर है, वो किसी को भी मॉलीफाई कर सकता है, किसी के भी गुस्से को मॉलीफाई कर सकता है, यानी कि शांत कर सकता है, ठीक है। मॉलीफाई समझ में आया? दो दो ट्रिक मिल गई इसकी, तो ये तो पक्का याद हो गया होगा। हुआ याद सब बच्चों को? मॉलीफाई समझ में आया सभी बच्चों को? एवरीवन, मॉलीफाई में किसी भी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, ओके। चलो अगला करते हैं भाई। अगला आ गया हमारा, क्या है? एक्सपैट्रिएट। क्या? एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या हुआ? एक्सपैट्रिएट का मतलब हुआ प्रवासी, मतलब जो अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। क्या? जो अपना घर बार छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के कहीं बाहर चला जाता है रहने के लिए, खाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रवासी। उसी प्रवासी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। क्या बोलते हैं? एक्सपैट्रिएट। अब एक्सपैट्रिएट को कैसे याद करेंगे? एक्सपैट्रिएट को याद करेंगे हम बहुत ही आसान चीज से। क्या? अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, यानी कि जो भैया उसका अपना देश था, उसको छोड़ के कहां रह रहा है? वो बाहर कहीं रह रहा है, तो दैट इज एक्स पैट्रिएट। व्हाट इज दैट? दैट इज एक्स पैट्रिएट। इतना हमें क्लियर हो गया? हो गया, ठीक है। अब एक्स पैट्रिएट को याद कैसे करेंगे? एक्स मतलब भैया पुराना, एक्स मतलब कि कोई पुराना हो गया, ठीक है, ओके। एक्स बॉस जैसे, एक्स वाइफ, तो एक्स हमें पता है क्या होता है। और पैट्रिएट, पैट्रिएट क्या होता है? पैट्रियट होता है वो जो देशभक्त होता है। पैट्रियट कौन होता है? जो देशभक्त होता है। तो भैया जो देशभक्त है, एक्स है। अब किसी कोई एक्स हो गया पैट्रियट, जब उसको वो देशभक्त नहीं रहा, देशभक्त नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वो बाहर देश में चला जाएगा। देश में तो खतरा होगा ना उसे, कि भैया गद्दारी की सजा मिलेगी, क्योंकि वो देशभक्त नहीं रहा, उसे देश छोड़ना पड़ेगा। और अब वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक्सपैट्रिएट।
देखो कितनी बढ़िया ट्रिक मिली है इसकी, है कि नहीं। यानी कि वो आदमी जो अपना घर बार छोड़ के बाहर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सपेट्रिएट। ओके ऑलराइट, सिनोनिम्स हो गए इसके माइग्रेंट, ये हमें पता है, बिल्कुल पता है, एमिग्रेंट ये भी पता है, और एक्साइल, एक्साइल भी, एक्साइल मतलब वनवास, ठीक है, यानी कि भैया घर बार छोड़ के उसको भी बाहर जाना पड़ा जो भी था। ओके अब इसका सेंटेंस देखिए, माई अंकल इज एन एक्सपेट्रिएट, क्या मेरे अंकल क्या है, एक्सपेट्रिएट है, हु लेफ्ट द कंट्री ऑफ हिज बर्थ टू लिव इन फ्रांस, जिन्होंने अपना जो उनका क्या था, घर था, जो उनका कंट्री था उसको छोड़ के वो फ्रांस चले गए, तो ही इज एन एक्सपेट्रिएट, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रवासी हिंदी में। सभी को समझ में आ गया एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट में किसी भी बच्चे को डाउट है क्या, एवरीवन बताएगा, हर कोई बताएगा भाई, एक्सपेट्रिएट में किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट है तो बताइए भाई, एक्सपेट्रिएट क्लियर, एनीवन एवरीवन, सभी बच्चों को क्लियर है एक्सपेट्रिएट, बताइएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मल्टीफेरियस, क्या मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस क्या हुआ, मल्टीफेरियस क्या हुआ, इसको मल्टी के बदले मल्टाई बोलेंगे, मल्टी के बदले क्या बोलेंगे, मल्टाई। ओके ऑलराइट, तो मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस मतलब विविध, यानी कि डिफरेंट टाइप के, वेरियस, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप की चीजों को, डाइवर्स चीजों को हम क्या बोलेंगे, मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस का मतलब क्या हो गया कि भैया बहुत सारे टाइप की कोई चीज है, जैसे ये जो लेडी है पिक्चर में, ये जो लेडी है पिक्चर में वो क्या कर रही है, शी इज डूइंग मल्टीफेरियस टास्क, यानी कि वो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्या कर रही है, टास्क कर रही है, ठीक है, तो दैट इज मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस क्लियर हो गया हम सभी को, ओके चलो, मल्टीफेरियस का मतलब हो गया विविध प्रकार के, यानी कि डिफरेंट टाइप्स, राइट। इसको याद कैसे करेंगे, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब ही अपने आप में होता है भैया बहुत सारे, बहुत सारे। ओके फेरी, हमें पता है क्या होता है फेरी, फेरी क्या होते हैं, परियां, तो डिफरेंट टाइप की परियां होती है भैया, अच्छी परियां, बुरी परियां, छोटी परी, बड़ी परी, तो डिफरेंट टाइप की परी होती है, तो बस मल्टीफेरियस को हमने उसी से याद कर लिया कि भैया बहुत सारे टाइप के, डिफरेंट टाइप्स। ओके तो मैनी एंड ऑफ वेरियस टाइप्स, राइट, जैसे ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ खुश मिजाज होते हैं, कुछ चुप रहने वाले होते हैं, कुछ बहुत शांत रहते हैं, कुछ बहुत मजाक करते हैं, कुछ बहुत जिंदा दिल होते हैं, कुछ हमेशा रोते रहते हैं, तो मल्टीफेरियस, राइट। तो इसको कैसे याद किया, मल्टी से, मल्टी से भी याद कर सकते हैं, वेरियस से भी याद कर सकते हो, फेरियस और वेरियस मिलता जुलता है, और मल्टीफेरी से भी आप याद कर सकते हो, चार पांच ट्रिक मिल गई इसकी आपको। अब इसके सिनोनिम्स हमें पता है, वेरियस हमने सुना है, वेरिड बिल्कुल सही, और डिफरेंट, राइट। ओके एंटोनिम्स हो गए इसके, होमोजेनस और यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसे, एंटोनिम्स क्या हो गए, होमोजेनस एंड यूनिफॉर्म। ओके ऑलराइट, नाउ इसका सेंटेंस देखिए, नाउ डेज इन स्कूल देयर आर मल्टीफेरियस एक्टिविटीज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, आजकल क्या होता है, आजकल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटी, क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, बैडमिंटन भी है, ड्राइंग भी है, कुछ भी कर सकते हैं आप जो चाहे, तो दे आर मल्टीफेरियस एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट्स इन देयर स्कूल्स, राइट। तो मल्टीफेरियस का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्लियर है इतना, मल्टीफेरियस, सभी बच्चों को मल्टीफेरियस क्लियर, मल्टीफेरियस में किसी भी बच्चे को कोई डाउट, बेटा जी इंपॉर्टेंट वर्ड से ध्यान रखेंगे, क्लास को रेगुलर जो बने रहिए, क्योंकि क्लास में बहुत सारी बढ़िया चीजें सिखाता चला जा रहा हूं आपको, ठीक है, और ये वर्ड्स आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, पक्का दिखाई देंगे, तो दिखाई देने के बहुत तगड़े वाले चांसेस है इन वर्ड्स के, दैट इज व्हाई मैं आपको करा रहा हूं, और वो कैब जिसकी स्ट्रांग नहीं है उसके एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है सॉल्व करने में, तो वो कैब को सुपर स्ट्रांग करने के लिए मैं आपकी डेली क्लास ले रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज गोड, क्या है, गोड, गोड होता है गॉड मतलब गॉड, गॉड मतलब भगवान, दिस इज गोड, गोड मतलब, गोड का मतलब हो गया उकसाना, गोड का मतलब क्या हो गया, उकसाना। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद कर लेते हैं दो तरीकों से, क्या, सबसे पहले तो गोवा आ गया इसमें, कि भैया हमारे दोस्त क्या करते हैं, गोवा जाने के लिए हमें उकसाते रहते हैं कि भाई तेरे घर वाले मानने ही नहीं, तेरे बस की नहीं है गोवा, गोवा जाना, तो गोवा जाने के नाम पे हमें क्या करते हैं दोस्त, उकसाते हैं, राइट। ओके
एक और है जो हमारे देश में होता है, क्या होता है कि भगवान के नाम पे, रिलीजन के नाम पे हमें उकसाया जाता है, गॉड के नाम पे हमें उकसाया जाता है, राइट, कि हम लोग आपस में लड़े भिड़े और पॉलिटिशियंस या फिर जो हमें लड़ा भिड़ा के अपना फायदा उठाना चाहते हैं वो फायदा उठाए, हमें उकसाते हैं वो लड़ने के लिए भगवान के नाम पे, राइट। तो गॉड का मतलब क्या हो गया, गॉड का मतलब हो गया भैया उकसाना, GOAD, उकसाना, GOD, गॉड, गॉड मतलब भगवान। जैसे यहाँ पर जो डेविल है, क्या है ये जो डेविल है, ये इसको उकसा रहा है कुछ गलत करने के लिए, सो ही इज गॉडिंग हिम, वो क्या कर रहा है, गॉड कर रहा है उसे, ठीक है। ओके, नाउ इसका मैंने दो ट्रिक बता दी आपको, एक भगवान वाली, एक गोवा वाली, जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको याद कर लो, ओके, याद आराम से हो जाएगा, ट्रिक एकदम दिमाग में आपको माइंड करेंगे, जैसे आप वर्ड देखोगे ना माइंड में यू आएगी ट्रिक गोवा और गॉड के नाम से। ओके, चलो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके, सिनोनिम्स हो गए प्रोवोक करना, स्पर करना और स्टिम्युलेट करना, और स्टिम्युलेट करना, ओके, ऑलराइट। एंटोनिम्स हो गए इसके डिस्करेज, एंटोनिम्स क्या हो गए इसके, डिस्करेज और इनिबिट, क्या, इनिबिट, एंटोनिम्स हो गए डिस्करेज करना और इनिबिट करना, मतलब कि एक में प्रोवोक कर रहे कि भाई ये कर, भाई ये कर, और एक में डिस्करेज कर रहे कि भाई ये मत कर, सही नहीं है, गलत है, दैट इज डिस्करेज और इनिबिट, ओके। अब एग्जांपल देखिए, चार्ल्स वॉज फॉरएवर ट्राइंग टू गॉड हर इनटू लूजिंग अ टेंपर, चार्ल्स हमेशा क्या ट्राई करता रहता था, चार्ल्स हमेशा ये ट्राई कर रहा था कि भैया वो उकसा के उसको ट्राई कर रहा था कि वो अपना टेंपर खो दे, क्या, अपना गुस्सा खो दे, तो यही वो ट्राई करता रहता था, उकसाने की कोशिश करता था उसको। तो ये हो गया हमारे इसका सेंटेंस। तो गॉड समझ में आ गया सभी बच्चों को, गॉड क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट गॉड में, एवरीवन गॉड में कोई डाउट, जल्दी से बताएंगे, किसी बच्चे को कोई भी डाउट गॉड में, एवरीवन जल्दी से बताइए, नहीं, ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं फिर। नेक्स्ट वर्ड आपका आ गया एबिस्मल, क्या है, एबिस्मल, एबिस्मल का मतलब क्या हुआ। अब भैया मैंने एक चीज आपको बताई है, यूजुअली जब भी मल का बात आ जाती है, क्या, जब भी लास्ट में MAL आ जाता है, क्या होता है इसका मतलब होता है बुरा, यूजुअली इसका मतलब होता है बुरा, समथिंग बैड, और अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब समथिंग वेरी बैड, समथिंग वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, अपेलिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एबिस्मल, ओके। अब इसके दो मतलब है, एक समथिंग जो कि बहुत ज्यादा बुरा है, या फिर कुछ बहुत ज्यादा डीप है, कोई बहुत ज्यादा डीप है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एबिस्मल, ओके, ऑलराइट। अब इसका कीवर्ड क्या है कि एबिस्मल, क्या, अब ये स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, कि भैया स्मेल आ रही कोई गंदी से, वो क्या है, बर्दाश्त हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो बहुत ज्यादा कैसी हो जाएगी, गंदी स्मेल हो जाएगी, क्या, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई, बहुत ही गंदी स्मेल है, तो इसको हम कैसे, क्या हुआ इसका मतलब, एबिस्मल का मतलब क्या हो गया, एबिस्मल का मतलब हो गया भैया ये स्मेल अब बर्दाश्त से बाहर हो गई, विच मीन्स कि समथिंग, ये जो स्मेल है बहुत बुरी है, क्या है, बहुत ज्यादा बुरी है, तो बहुत ज्यादा बुरा या बहुत ज्यादा बुरी को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एबिस्मल, राइट, ओके। अब ये स्मॉल नहीं, बहुत डीप है, कि भैया एक गड्ढा था जो क्या है, पहले बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन अब क्या है, अब वो छोटा नहीं है, वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया, क्या हो गया है, गहरा हो गया है, अब ये स्मॉल नहीं, बहुत ज्यादा डीप है, अब ये स्मॉल नहीं, क्या है, बहुत ज्यादा डीप है, तो दोनों ही मतलब हमें एक ही ट्रिक से मिल गए, अब ये स्मॉल और अब ये स्मेल, अब ये स्मॉल और अब ये स्मेल, ओके। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, देखेंगे इसके सिनोनिम्स, ऑफुल, क्या मिल गया, ऑफुल, डिसग्रेसफुल, टेरिबल, ब्रॉड और या फिर वॉर्ड, ये हमारे हो गए इसके सिनोनिम्स, ठीक है, ओके। एंटोनिम्स क्या हो गए इसके, गुड, लो और शैलो, गुड, लो और शैलो, ठीक है, ऑलराइट। अब इसका यूज देखिए, यूज है इसका, द थॉट्स ऑफ अ राइटर, जो थॉट्स है वो राइटर के, इज ऑलवेज अबिस्मल, वो हमेशा क्या होता है, अबिस्मल होते हैं, यू कैन नॉट थिंक लाइक देम, यानी कि जो थॉट्स होते हैं राइटर के बहुत ज्यादा डीप होते हैं, तो हम उन्हें समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते उनकी तरफ, राइट, दैट इज अबिस्मल, यानी कि हमने बहुत बहुत गहरे के रूप में इसको यूज किया, सही है, क्लियर हो रहा है हम सभी को ये चीज, कोई डाउट इसमें, एनीवन एंड एवरीवन, अबिस्मल में कोई डाउट नहीं, ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बर्निश, क्या है, बर्निश, बर्निश का मतलब क्या हुआ, बर्निश का मतलब हुआ चमकना, बर्निश मतलब चमकना,
अब इसको याद कैसे करेंगे कि भाई बर्न का मतलब क्या होता है, बर्न का मतलब क्या होता है, जलना। ओके, तो जब आग में आग किससे जलते हैं, आग से, तो आग में जलने के बाद, आग में तपने के बाद ही सोना चमकता है। जैसे आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो आप एक, आपकी जो किस्मत है बर्निश होगी बहुत जल्दी। बर्निश मतलब जलेगी नहीं बल्कि क्या, चमकेगी, दैट इज बर्निश। बर्निश मतलब आग में तपने के बाद ही सोना क्या है, चमकता है। तो चमकने को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं बर्निश। ठीक है, तो शाइन, द शाइन ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस। तो ये जो एवरेज सी शाइन है, ये नॉर्मल सा है, लेकिन इस फर्श पे हमने क्या किया, पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद ये जो फर्श चमक रहा है बहुत अच्छे, इसको हम क्या कहेंगे, बर्निश फ्लोर। क्या है, बर्निश। ओके, ऑलराइट, अब इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, शाइन, शाइन्स, ओके, ग्लॉस और ग्लो, बिल्कुल सही। सॉरी, एंटोनिम्स हो गए इसके डल, एंटोनिम्स क्या हो गए इसके, डल। ओके, यूज हो गया इसके, देखिए, सिल्वर यूटेंसिल्स बर्निश आफ्टर पॉलिशिंग। सिल्वर यूटेंसिल्स जो होते हैं, सिल्वर के जो बर्तन होते हैं, क्या होते हैं, चमक जाते हैं। कब चमक जाते हैं, जब उन पर पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, और एक और देखिए एग्जांपल, हर हेयर शॉन, उसके हेयर चमके, कैसे चमके, लाइक बर्निश्ड कॉपर, जैसे कि कॉपर चमकता है वैसे ही उसका क्या, बाल चमके। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर बर्निश, बर्निश में कोई डाउट किसी भी बच्चे को, एवरीवन, कोई भी डाउट बर्निश में किसी भी बच्चे को, यस नो मे बी, एनीवन, एवरीवन, जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट है भाई बर्निश में किसी भी बच्चे को, जल्दी से बताइए, अगर डाउट है तो बताइए भाई, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके, चलो आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रेट। क्या है, डिस्ट्रेट, डिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रेट का मतलब हो गया असावधान या फिर बेपरवाह, क्या, बिल्कुल बेपरवाह खड़ा था, बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था, तो दैट इज डिस्ट्रेट। एक्सक्यूज मी गाइस, डिस्ट्रेट का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रेट का मतलब हुआ असावधान या फिर बेपरवाह। जैसा, जैसे कि ये बच्ची है, बच्ची है, क्या है, शी इज डिस्ट्रैक्टेड, उसके सामने क्या है, किताबें रखी है, बट शी इज डिस्ट्रैक्टेड और एब्सेंट माइंडेड, या फिर मैं इसको कहूंगा डिस्ट्रेटेड। क्या है, शी इज डिस्ट्रेटेड। तो डिस्ट्रेटेड और डिस्ट्रैक्टेड मिलता जुलता है कि नहीं, डिस्ट्रेट और डिस्ट्रैक्ट मिलता जुलता है ना, बस इससे हम आराम से इसको याद कर सकते हैं कि भैया डिस्ट्रैक्टेड को हम डिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा देखिए, दी स्ट्रेट, दी जो थी, दी मतलब भैया सिस्टर जो थी, ठीक है, बड़ी दीदी, दी वॉज गोइंग स्ट्रेट, दी स्ट्रेट जा रही थी, और डिड नॉट नोटिस दैट, उन्होंने नोटिस नहीं किया कि उनके सामने पोल था, और शी इम्पेस्ड विद दैट, तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, मतलब कि वो क्या थी, डिस्ट्रैक्टेड थी, तो डिस्ट्रैक्टेड थी वो क्या हो गई, शी इम्पेस्ड विद दी पोल, यानी कि वो क्या हो गई, इस पोल से टकरा गई, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था, दैट इज डिस्ट्रेट। डिस्ट्रेट का मतलब असावधान यानी कि बेपरवाह, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड, एब्सेंट माइंडेड, होते हैं कुछ लोग हमारे आसपास में एब्सेंट माइंडेड, है कि नहीं, जिनका ध्यान कहीं और होता है हमेशा, दैट इज डिस्ट्रेट। ओके, ऑलराइट, इतना हमें समझ में आ गया। सिनोनिम्स देखिए, इसके सिनोनिम्स में आ गया अनअटेंटिव, इनअटेंटिव, इनकॉशियस, परफंक्टरी और डिस्ट्रैक्टेड। क्या, इनअटेंटिव, इनकॉशियस, परफंक्टरी और डिस्ट्रैक्टेड। ओके, एंटोनिम्स हो गए इसके अटेंटिव, अटेंटिव, अलर्ट और हीडफुल, अटेंटिव, अलर्ट और हीडफुल। ओके, सेंटेंस देखिए, इसका सेंटेंस है इसका, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, बट यू आर लुकिंग डिस्ट्रेटेड टूडे, कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं लेकिन तुम मुझे क्या लग रहे हो, तुम मुझे दिख रहे हो डिस्ट्रेटेड, भैया तुम्हारा ध्यान आज कहीं और है, पढ़ाई में नहीं है, आज तुम कहीं और ही हो। What is that? That is distraught. Distraught मतलब असावधान, बेपरवाह, distracted, absent-minded, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई doubt इस पे? नहीं। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Next word is count. क्या है?
काउ, काउ का क्या मतलब हुआ भाई, काउ का क्या मतलब हुआ जल्दी से बताएंगे, काउ बोले तो, काउ का मतलब हुआ तख्ता पलट, काउ का क्या मतलब हुआ तख्ता पलट, तख्ता पलट मतलब, तख्ता पलट का मतलब हुआ कि जब वायलेंट तरीके से गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती है, गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती है अचानक से वायलेंट तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काउ, यानी कि तख्ता पलट। ओके, तो अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर, क्या, अ सडन वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि आपने गवर्नमेंट चेंज कर दी, कैसे, अपनी वायलेंस को यूज करके, अचानक से इलीगल मेथड्स को यूज करके आपने तख्ता पलट कर दिया, दैट इज काउ, ठीक है। ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे, काउ को मैंने लिखा बहुत, ये थोड़ा सा अजीब ट्रिक बनी है लेकिन ट्राई की करी मैंने, ठीक है, सूप और काउच, सूप और काउच, जब मेरा भाई, व्हेन माय ब्रदर वेंट टू मेक अ सूप, जब मेरा भाई जो था क्या था, सूप बनाने गया, मैं उसके काउच पर पहुंच गया, मैंने उसके सूप काउच को हथिया लिया, ठीक है, मैंने उसके काउच को हथिया लिया, बैठ गया भाई उसके काउच, भैया ये मेरा हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं काउ या फिर कूप, जो भी कह लीजिए, तो काउ और कूप का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तख्ता पलट। जैसे एग्जांपल देखिए, आई स्ट्रॉन्गली कंडेम द मिलिट्री काउ इन म्यांमार, यानी कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ, निंदा करता हूँ जो मिलिट्री ने काउ किया है कहां पर, म्यांमार में, ठीक है। ओके, सिनोनिम्स हो गए टेक ओवर, यस, सीजर ऑफ पावर, यस, एंटोनिम्स हो गए इसके फेलियर, एंटोनिम्स क्या हो गए इसके, फेलियर और इलेक्शन, फेलियर और इलेक्शन। ओके, सेंटेंस देखिए इसका, विक्ट्री ऑफ बीजेपी, विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन इलेक्शन वॉज द पॉलिटिकल काउ, कि जो बीजेपी की इलेक्शंस में जीत हुई थी वो क्या था, पॉलिटिकल काउ था, कि भैया पहले कांग्रेस की सरकार चलती थी, अब बहुत ही बड़े तख्ता पलट में क्या हुआ, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया कि वो बीजेपी पावर में आ गई, दैट इज व्हाट, दैट इज काउ। सभी बच्चों को क्लियर, काउ में कोई डाउट किसी भी बच्चे को, एवरीवन, काउ में कोई डाउट भाई नहीं, ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेबल, क्या है, अफेबल, अफेबल क्या होता है, अफेबल को अगेन मैं दो तरीके से आपको याद कराऊंगा, क्या, अफेबल मैं आपको फिर से दो तरीके से याद कराऊंगा। पहली चीज, क्या हमने AFF, या हमने BFF तो सुना है, या BFF क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, AFF क्या होता है, ऑलवेज फ्रेंड फॉरएवर, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको AFF को बोल लेता हूँ, ऑलवेज फ्रेंड फॉरएवर, यानी कि भाई मेरे जो AFF है, यानी कि ऑलवेज फ्रेंड्स फॉरएवर है, वो उनके साथ में क्या होता है, बहुत ज्यादा मिलनसार होता है, उनके साथ बहुत मजा आता है, बहुत फन करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा मिलती है और हम बहुत ज्यादा मिलनसार है आपस में, दैट इज अफेबल, क्या, अफेबल, अफेबल का मतलब मिलनसार, ठीक है, जिसके साथ आप आराम से घुल मिल सकते हैं, जिसके साथ आराम से बात कर सकते हैं, वो क्या है, अफेबल है। जैसे आदित्य सर क्या है, अफेबल है, उनसे कोई भी आराम से बात कर सकता है, तो अफेबल हमें पता लग गया भाई। लेकिन अफेबल को हम याद कैसे करेंगे, एक तो AFF BFF बता दिया, हो गया, और क्या है, फेबल, फेबल क्या होता है, कहानियां, फेबल क्या होता है, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरी जो बड़े मजे की होती है, तो फेबल कौन सुनाता है हमें, जो हमारे साथ मिलनसार होता है, फेबल हम हर किसी से थोड़ी सुनते हैं, फेबल हमें कौन सुनाता है, जो जिनके साथ हम मिलनसार होते हैं, या फिर जो हमारे साथ मिलनसार होते हैं, तो फेबल से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दो दो ट्रिक मिल गई आपको अफेबल की भी, मिल गई। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसका, एमिएबल, एमिएबल, कॉर्डाइल और कॉन्जेनियल, क्या है, एमिएबल, कॉर्डाइल और कॉन्जेनियल, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हो गए। ओके, एंटोनिम्स क्या, उसके एंटोनिम्स हो गए इरिटेबल, डिस्कॉर्चियस और इम्पोलाइट, इरिटेबल, डिस्कॉर्चियस और इम्पोलाइट, ये क्या हो गए, इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस देखिए, अफेबल किटी गिव्स एवरीवन हग्स, यानी कि क्या करती है, जो अफेबल किटी होती है, जो मिलनसार किटी होती है, क्या करती है, वो सबको हग्स देती है, यानी कि झप्पी देती है, ठीक है। ओके, एक और सेंटेंस देखेंगे, हर ग्रैंडफादर हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट अफेबल मैन अराउंड, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, हमेशा से बहुत ज्यादा मिलनसार आदमी थे, सबसे ज्यादा मिलनसार आदमी थे आसपास में, दैट इज अफेबल।
फेबल का मतलब मिलनसार, जो कि सबके साथ घुल मिलकर बहुत प्यार से रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अफेबल। सो जैसे आदित्य सर इज अफेबल, यानी कि आदित्य सर क्या है, अफेबल है, बहुत मिलनसार है। ओके, दैट इज अफेबल। अफेबल हमें क्लियर हो गया भाई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्लमेट क्या है, प्लमेट, प्लमेट का मतलब क्या हुआ, प्लमेट का मतलब हुआ तेजी से गिरना। प्लमेट मतलब तेजी से गिरना, यानी कि अगर कोई चीज तेजी से गिरेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्लमेट। जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी एग्जांपल क्या, या फिर पेट्रोल के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस एक दिन अचानक से क्या करेंगे, प्लमेट करेंगे, तेजी से नीचे गिर जाएंगे। और या फिर इकोनॉमी जो है लगातार प्लमेट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, लगातार नीचे गिर रही है, दैट इज प्लमेट। याद कैसे करेंगे भाई इसको, फिर से दो तरीके दूंगा मैं आपको याद करेंगे। पहला है प्लमेट, प्लमेट किसके जैसा साउंड कर रहा है, कॉमेट जैसा। प्लमेट और कॉमेट मिलता जुलता है, सुना हमने कॉमेट। यस, कॉमेट क्या होता है, कॉमेट जो है ऊपर आसमान से धरती पे गिरता है ना। तो कॉमेट क्या है, धरती पे तेजी से गिरता है, तो तेजी से गिरने को हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं प्लमेट, सिंपल। तो प्लमेट हमने याद कर लिया भैया कॉमेट से, लेकिन अगर हमें कॉमेट से याद नहीं हुआ तो एक और याद कर लेते हैं, क्या प्लम होता है। प्लम क्या होता है, एक फ्रूट होता है। अब प्लम जो है, प्लम जो है क्या करता है, प्लम जो है, प्लम का जो पेड़ है वो गिर गया नीचे, क्या, प्लम का जो पेड़ था तेजी से नीचे गिरा, प्लम का जो पेड़ था, प्लम का जो ट्री था तेजी से नीचे गिरा। तो नीचे गिरने को फिर से हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं प्लमेट, राइट। ओके, सिनोनिम्स हो गए इसके ड्रॉप, फॉल और डिसेंट, क्या, ड्रॉप, फॉल और डिसेंट। ओके, एंटोनिम्स हो गए इसके राइज, इंक्रीज और ग्रो अप, राइज करना, इंक्रीज करना, ग्रो अप करना, ठीक है। सेंटेंस देखिए, माइल्ड स्नोफॉल प्लमेटेड टेम्परेचर इन हिमाचल प्रदेश। माइल्ड स्नोफॉल जो है, जो हल्का हल्का हिमपात हुआ, जो बर्फ गिरी कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, उसने टेम्परेचर को अचानक से नीचे गिरा दिया, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई, दैट इज व्हाट, दैट इज प्लमेट, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल क्या है, बट एज सून एज ही इज रिप्लेस्ड, कि जैसे ही क्या हुआ उसको रिप्लेस किया गया, हिज पॉपुलैरिटी प्लमेट्स, कि जैसे ही उसको रिप्लेस किया गया उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, दैट इज प्लमेट्स। क्लियर सभी बच्चों को, तेजी से नीचे गिरना, बहुत कम हो जाना, मिनिमाइज हो जाना, डिक्रीज कर जाना, ड्रॉप कर जाना, फॉल कर जाना, इसको हम क्या कह रहे हैं, प्लमेट कह रहे हैं। कॉमेट से हमारा आराम से याद हो जाएगा, वरना प्लम ट्री के नाम से याद हो जाएगा। हम सभी को क्लियर, कोई डाउट है भाई इसमें, किसी भी बच्चे को, एवरीवन, कोई डाउट है ये प्लमेट में, नहीं, ओके, चलो फिर नेक्स्ट वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेगमेटिक, क्या है, फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक क्या होता है भैया, दो तरीके से इसको बताऊंगा, इस वर्ड को भी, क्या, इस वर्ड को भी दो तरीके से बताऊंगा, क्या। पहला तरीका, ये फ्लैग जो है, ये जो फ्लैगमेटिक है, ये फ्लैगमेटिक है, ये किसके जैसा साउंड कर रहा है, प्लेग जैसा, किसके जैसा, प्लेग जैसा। प्लेग में क्या कहते हैं, प्लेग एक बीमारी थी, राइट, ओके। तो जैसे आज के टाइम में COVID-19 है, वैसे ही पहले क्या था, प्लेग थे, प्लेग फैलते थे जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाते थे बहुत ज्यादा। अब उनको भी हमारी तरह क्या बोल दिया था, कि भैया घर से बाहर मत निकलो और घर में ही आलसी की तरह पड़े रहो, घर में ही रहो, बाहर नहीं निकलना है, आलसियों की तरह रहना है, जैसे ये भैया जी रह रहे हैं, है ना। तो ही इज फ्लेगमेटिक, यानी कि ही इज टू आलसी, ही इज टू लेजी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि बेटा जी की प्लेग में बाहर मत निकलो, आलसी की तरह पड़े रहो, यानी कि बिल्कुल सुस्त बन के रहो, घर में रहो, ठीक है। दूसरा तरीका इसका, फ्लैग, फ्लैग, यस, मत, फ्लैग मत, ओके। तो फ्लैग क्या होता है, हम सबको पता है कि रवि स्ट्रेंड इज इमोशनलेस। रवि स्ट्रेंड कैसा है, इमोशनलेस है, जिसने क्या किया, फ्लैग को मैट पे फेंक दिया, फ्लैग को कहां फेंक दिया, मैट पे फेंक दिया। लेकिन रवि ने रिएक्ट कैसा किया, फ्लैगमेटिक, कि भैया मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आई एम, हम अपनी मस्ती में है, दैट इज फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक मतलब भैया अपनी मस्ती में मस्त, अपनी मस्ती में मस्त, यानी कि सुस्त इंसान, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज फ्लैगमेटिक। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, फ्लैगमेटिक, ओके। अब देखिए सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, सिनोनिम्स होंगे इसके कोल्ड ब्लडेड, कूल और काम, बिल्कुल काम है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइफ टेंशन फ्री है ब्रो, राइट।
एंटोनिम्स हो गए इसके इमोशनल, एंटोनिम्स क्या हो गए इसके इमोशनल, हॉट ब्लडेड और पैशनेट, इमोशनल हॉट ब्लडेड और पैशनेट इसके एंटोनिम्स हो गए। यूज देखिए, इट वॉज ए स्ट्रॉन्गली वर्डेड स्टेटमेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड स्टेटमेंट था, ये क्या था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड स्टेटमेंट था बाय द नॉर्मली फ्लैगमेटिक गवर्नर, कि जो कि नॉर्मली फ्लैगमेटिक गवर्नर था, जो कि काम गवर्नर था, कूल गवर्नर था, आलसी गवर्नर था, उसके मुंह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड स्टेटमेंट आए थे। तो फ्लैगमेटिक गवर्नर मतलब कि भैया कोई बहुत ज्यादा कूल बंदा था, फर्क नहीं पड़ता था, काम बंदा था, आलसी बंदा था, वो अचानक बहुत ज्यादा हाइपर हो गया। ओके, तो फ्लैगमेटिक हमें सभी को समझ में आ गया है। कोई डाउट भाई फ्लैगमेटिक में किसी को भी? एनीवन? फ्लैगमेटिक में कोई डाउट नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोबेशन। क्या है अप्रोबेशन? अप्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड, कि भैया जब आप बैंक की बैंक का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे सब कुछ, तो आपको प्रोबेशन पीरियड में डाला जाएगा। ओके ओके, जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, सपोज 6 मंथ्स में या 9 मंथ्स में या फिर 12 मंथ्स या फिर 15 मंथ्स या फिर 2 ईयर में, जब भी हो जाएगा, ठीक है, लेट्स नॉट गो ऑन फैक्चुअल थिंग्स। सो प्रोबेशन पीरियड जब भी आपका खत्म हो जाएगा, सब आपको क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे और आपको परमानेंट जॉब की श्योरिटी मिल जाएगी, अप्रूवल मिल जाएगा। तो अप्रूवल मिलना या फिर आपकी प्रेज होना, यानी कि प्रशंसा होना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अप्रोबेशन, कि भैया प्रोबेशन पीरियड हो गया कंप्लीट, अब तुम्हें अप्रूव किया जाता है किस चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो अप्रूव जो किया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं अप्रोबेशन। क्या कह रहे हैं? अप्रोबेशन, ठीक है। अप्रोबेशन मतलब समर्थन करना या फिर प्रशंसा करना। ओके, गाइज आर वी कनेक्टेड? आर वी स्टिल कनेक्टेड? एनीवन? यस, आई थिंक वी आर। ओके, सो अप्रोबेशन का मतलब क्या हुआ, कि भैया आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, अब आपको जॉब के लिए या फिर प्रमोशन के लिए अप्रूव किया जाता है। तो प्रोबेशन, यस और अप्रूव, तो अप्रूव और अप्रूव, प्रोबेशन से हमने बना दिया अप्रोबेशन। तो ये हमारी ट्रिक हमने बना दी कि माय प्रमोशन इज अप्रूव्ड और प्रोबेशन इज अप्रूव्ड ऑन अप्रोबेशन। तो अप्रोबेशन को हम क्या कह रहे हैं, यानी कि समर्थन या फिर प्रशंसा करना। ओके, सिनोनिम्स देखिए इसके, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल और अप्रिसिएशन। यस, एक्सेप्टेंस हम उसी चीज को देंगे जो हम अच्छा लगेगा, सपोर्ट कर रहे हैं। अप्रूवल और अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन या फिर प्रशंसा हम किस चीज के लिए, जो जिस चीज को हम फेवर करेंगे। तो क्योंकि किसी चीज को हम फेवर कर रहे हैं तो इसका मतलब उसे अप्रूव भी करेंगे और उसकी प्रशंसा भी करेंगे, राइट? ओके, एंटोनिम्स हो गए इसके डिनायल और डिसफेवर, कि किसी चीज को मना कर देना या फिर डिसअप्रूव कर देना, यानी कि डिसफेवर कर देना, ठीक है। सेंटेंस क्या हुआ इसका, सेंटेंस हुआ स्टिल द अप्रोबेशन फॉर द बिल वॉज नॉट यूनिवर्सल। फिर भी क्या हुआ, फिर भी जो अप्रोबेशन था, बिल का अप्रूवल था, वो यूनिवर्सल नहीं था, काफी लोगों ने उसका स्टिल विरोध किया था, लेकिन अप्रोबेशन हो गया था, यानी कि सबने, मोस्टली लोगों ने सपोर्ट किया था। सभी बच्चों को क्लियर अप्रोबेशन? अप्रोबेशन में किसी भी बच्चे को डाउट? एनीवन? यस नो मे बी एनीवन एंड एवरीवन, जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट भाई यहां पर नहीं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 वर्ड है आज का एब्स्टिनेंस। क्या है एब्स्टिनेंस? एब्स्टिनेंस का क्या मतलब हुआ? एब्स्टिनेंस का मतलब हुआ परहेज। क्या है? परहेज, यानी कि जब हम किसी चीज से दूर रहने की कोशिश करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एब्स्टिनेंस। तो द फैक्ट और प्रैक्टिस ऑफ रिस्ट्रेनिंग वनसेल्फ फ्रॉम इंडल्जिंग इन समथिंग, टिपिकली अल्कोहल, इसका मतलब यूजुअली अल्कोहल से या बाकी चीजों से जब हम विरत रहने की, दूर रहने की कोशिश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्टिनेंस। क्या बोलते हैं? एब्स्टिनेंस, यानी कि परहेज, ठीक है। अब जैसे हमें क्या, हम जिम जाते हैं, जिम जाने के लिए हमें क्या बोलते हैं, कि भैया हमें अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होगा। क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा, और अगर आपको कंट्रोल करोगे तो ही एब्स बनेंगे। एब्स बनाने हैं तो
सब चीज को, खाने की चीजों को जो आप जंक फूड खाते हो उसको एबसेंट कर दो, एब्सटिनेंट जो और एबसेंट मिलता जुलता है, यस थोड़ा सा है, चलो ठीक है। तो एबसेंट होने को, रेजिस्टेंस को, किसी चीज से रिस्ट्रेन करने को हम क्या कहेंगे, एब्सटिनेंस। तो अगर आपको सिक्स मंथ, आपको सिक्स पैक एब्स चाहिए तो आपको डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, यानी कि परहेज करना पड़ेगा, आपको एब्सटिनेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एब्सटिनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ इफ यू सॉरी सिनोनिम्स देखिए इसके, टी टोटलिज्म क्या है, टी टोटलिज्म इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, बिल्कुल सही। और एब्सटिमियसनेस, एब्सटिमियसनेस मतलब कि भैया परहेज कर रहा हूं, ठीक है, दूर रह रहा हूं किसी चीज से, विरत रह रहा, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए इसके, ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन, ड्रंकनेस और इंटॉक्सिकेशन। ओके, यूज देखिए इसका सेंटेंस, देखिए आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन, कि मैंने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया आफ्टर सिक्स ईयर्स ऑफ एब्सटिनेंस, यानी कि छह साल के बाद मैंने दोबारा पीना शुरू कर दिया, मैंने छह साल नहीं पी थी, तो इट वॉज एब्सटिनेंस फॉर सिक्स ईयर्स। सो जैसे अगर इनको ये जो महिला है, इनको अगर पतला होना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, शी नीड एब्सटिनेंस फ्रॉम दी जंक फूड। याद किससे किया हमने, एब्स से, कि भैया एब्स बनाने हैं तो जंक फूड को हमें एब्सेंट करना पड़ेगा, राइट। ओके, चलो हमें इतना सभी को क्लियर हो गया, आई थिंक सभी को बहुत मजा आया और समझ में आया। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी कि आप लोग रिपोर्ट एंड विन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है कि ये गलत पढ़ाया, या फिर ये गलत लैंग्वेज यूज की, ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव था, कुछ भी आपको ऐसा कुछ गलत लगता है जो नहीं होना चाहिए था, इनसेंसिटिव था, इनअप्रोप्रिएट था, तो आप लोग इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप रिपोर्ट करेंगे और हमारी टीम उस पर जब देखेगी और वो सही साबित होता है, तो आपको आपको विन कर सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो आपको विन, रिपोर्ट एंड विन का बहुत सही मौका मिला है, या अनअकैडमी नई शुरुआत की है, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सके, स्टडी मटेरियल आपको बेहतर से बेहतर दे, ठीक है जी। ओके, नाउ इसी के साथ में जो आज की क्लास है उसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे है। वीडियो को कोई भी बच्चा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी आपको समझ में आया है, मेरा पढ़ाया हुआ मजा आया है समझ में, तो आप लोग कल को भी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब की मैं क्लास ले रहा हूँ डेली 12 बजे, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग इस क्लास में 12 बजे मुझे मिलेंगे, एंड आई एम श्योर हम लोग बहुत मजे करने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम 12 बजे ही नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते हैं बढ़िया से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का अगला पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना आप सभी लोग, और कोई भी दिक्कत होती है डेफिनेटली आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ASG50 जरूर याद रखेंगे, कोड जो है ASG50, ठीक है। ASG50 वो कोड है जिसको लगाकर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और ऑफर जो चल रहे हैं अनअकैडमी के उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ASG50 जरूर यूज़ कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जिन बच्चों ने नहीं लिया है जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। चलो फिर भाई, डू टेक केयर, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि कल दिन में 12 बजे। Bye-bye. Do take care. And all the best. Let's crack it.